Hey, assalamu alaikum. Hope you guys are doing good. Alhamdulillah, मैं भी यहाँ पर्टी को दोस्तों दोस्तों I'm back with the new latest updates. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ खास हो तो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करता हूँ. वेल दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा करीब है दोस्तों. 15 अगस्त जो हमारे भारत के आज़ादी के मौके पर मनाया जाता है, इस बार ये इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों. क्यों? क्योंकि ये एज ए मार्क ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस होगा. जी हाँ, डायमंड जुबली भी इसे कहा जा रहा है. वेल मैं ये आपको बता दूँ कि इस साल खास प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा. वेल केसीआर साहब ने अनाउंस कर दिया है कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे खास प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. खास प्रोग्राम्स में मैं आपको बता दूं कि अगस्त 8 से लेके अगस्त 22 तक ये दो हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं दोस्तों. जी हाँ, इस कंप्लीट इवेंट का नाम ये दिया गया है कि स्वतंत्रता भारत वज्रोत्सव द्वि सप्ताह, यानी कि दो हफ्ते का ये प्रोग्राम रहेगा स्वतंत्र भारत के लिए जो मनाया जाएगा दोस्तों. वेल मैं आपको ये बता दूँ कि इस इवेंट में फ्रीडम पार्क्स का अनाउंसमेंट भी हुआ है बाई GHMC. दोस्तों ये फ्रीडम पार्क्स क्या है दोस्तों? 75 ओपन स्पेसेस को देखा जा रहा है एज अ मार्क ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. 75 स्पेसेस इन एंड अराउंड हैदराबाद सिटी में देखा जाएगा और 75 स्पेसेस में ये पार्क्स को बनाया जाएगा विद वेरी गुड फैसिलिटीज. ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है. सुनकर तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है. और इस तमाम पार्क्स को नाम दिया गया है फ्रीडम पार्क्स, और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है. तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 से लेके 22 तक ये प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, तो 10 तारीख को ये अब 10 तारीख को ये पार्क्स का भी अनाउंसमेंट वगैरह हो जाएगा. और 10 तारीख को ये भी बताया गया है कि प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स भी किया जाएगा इन मल्टीपल ऑफ 75. जैसे कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है तो 75 प्लांट्स को, यानी पौधों को लगाया जाएगा इन मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि 75 हो सकता है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 750, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 7500, यानी कि जो भी होगा 75 के हिसाब से 10-12 उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, उतने ज़्यादा पौधों को लगाया जाएगा. हैदराबाद ग्रीनरी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी रखता है. ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा तेलंगाना के GHMC की तरफ से, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इस स्टेप से बहुत ज़्यादा खुश होंगे. वेल दोस्तों, मैं ये भी बता दूं आपको कि ये अच्छी खासी फैसिलिटीज़ देने वाले हैं पार्क्स में, जो आपको मतलब रनिंग, जॉगिंग या वॉकिंग जो भी करते हैं, और हो सका तो ओपन एयर जिम भी हो सकता है. ये बताया नहीं गया है, हो सकता है, तो एक अंदाज़ा है, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी. जैसे कि आपको बेंचेस ट्री ट्रंक्स में मिलने के चांसेस हैं, और वॉल्स पर ट्राई कलर्स के निशान, पेंटिंग वगैरह सब चीज़ें अच्छी सहूलत देने का वादा किया गया है GHMC वालों का. वेल मैं आपको और एक चीज़ भी बता दूँ कि तमाम जितने भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वो HICC में होगा. अभी HICC क्या चीज़ है? हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर. दोस्तों ये एक कन्वेंशन सेंटर है जो नोवोटेल होटल में होगा, आई गेस सो. तो वहाँ पर जो भी इवेंट्स प्रोग्राम्स होंगे वो 8 से लेकर 22 में मनाया जाएगा. जैसे कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्वतंत्रता भारत वज्रोत्सव द्वि सप्ताह, जैसे मैंने आपको बताया था ये दो हफ्ते का प्रोग्राम है. इस दो हफ्ते में कई सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स, गेम्स, कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है दोस्तों. और एक खास बात ये भी है कि इस मौके पर, यानी कि इस इवेंट के मौके पर 1.2 करोड़ ऑफ इंडियन फ्लैग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तमाम ऑफिशियल, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक प्लेसेस में, हाउसेस में. ये बताया गया है कि जितने भी वर्कर्स हैं तमाम को 1.2 करोड़ फ्लैग्स, वैसा मतलब उतना एक रेंज दिया गया है कि अपने अपने घरों पर फ्लैग्स लगाने की बात की गई है दोस्तों. वेल इस सिलसिले में मिलिट्री से और क्या कहते हैं पुलिस से भी बात की गई है कि ताकि वो एक मास सल्यूट दें स्टेट की तरफ से इंडिपेंडेंस डे के मौके पर. और DGP साहब से भी इस मामले में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी सुना जा रहा है कि फ्रीडम 2 के रन को भी, जैसे कि मैराथन वैसा होता है ना, वैसा फ्रीडम 2 के रन को भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान है, और मास रिसाइटल ऑफ नेशनल एंथम भी होने के चांसेस हैं. तो ये बहुत ज़्यादा बिग इवेंट्स होने वाले हैं. इस सिलसिले में महेंद्र रेड्डी साहब से भी, DGP साहब से भी बात हो चुकी है KCR साहब की. सो दोस्तों,
ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एस 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो हमको चाहिए कि हम इसमें हिस्सा लें और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको झंडा मिल जाए तो अपने घर पर भी लगाएं। जैसे कि पहले भी मैं आपको बताया था कि पीएम का एड्रेस था कि हर घर तिरंगा, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्चर तो मैं लगा चुका हूँ, जैसे कि आप मेरे प्रोफाइल पिक्चर पर देख सकते हैं। तो आप लोग भी चाहिए कि सोशल मीडिया पर अपने अपने प्रोफाइल पिक को चेंज कर भारत का फ्लैग लगाएं। सो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ जाए तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक रेड बटन होता है साइड में, तो उसको दबाइए, क्लिक कीजिए, तो मैं सब्सक्राइब हो गया, यानी कि मेरे वीडियोस आप तक आ सकेंगे हमेशा जब भी मैं बनाऊंगा, अगर आप बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देंगे। सो अपनी दुआओं में याद रखिए, बच्चे बूढ़े तमाम आपकी वजह से ही हम लोग चलते हैं दोस्तों, और हमें इंकरेजमेंट मिलता है, तो अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हैदराबाद प्रोटीन्स को आगे बढ़ाइए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।